ये सब लड़ाई वाली बातें हैं कि नहीं। मंगल सूत्र उतार के हिंदू उतार कर मंगल सूत्र देगा मुसलमान की औरतों को देगा, समझ चुके हैं कि जीतने वाला नहीं हूँ, इसीलिए वो हिंदू मुसलमान को आरोप लड़वा रहे हैं, झगड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। राम का ये लाए हैं, इनके बाप का औकात ही लावे गए, राम खुद इनका लाए हैं। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा में है और रायबरेली में है। रायबरेली के काशी राम आवास ये मोहनगर आसपास दिखाएंगे, तो ये वो आवास है जो मायावती जी की सरकार में बने और यहाँ पे जो SC तबके के लोग हैं वो रहते हैं। आज ये आवाज़ बहुत जर्जर स्थिति में है। हम ये जानने के लिए आए कि भाई इनके आवाज़ की क्या स्थिति है, साथ में इनके वोटों के क्या मुद्दे हैं, चुनाव आ रहा है, चुनाव में जो है इनके क्या मुद्दे हैं। यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से दिनेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और बसपा से कौन है यहाँ पे? कोई नहीं, ठाकुर प्रसाद यादव बसपा के भी, तो तीन प्रत्याशी लड़ रहे हैं। ये चाचा जो है ये कब बना था? ये बना है बताऊं? 2006 में। 6 में? हाँ। तो ये तब किसकी सरकार थी? मायावती की। मायावती की। तो ये तो बहुत जर्जर स्थिति में है। बहुत जर्जर स्थिति में है कि कब ये गिर जाए साहब कोई पता नहीं है, कब गिर रही है ये नहीं कि गिर रही है, छतें गिर रही हैं, जो जीना है वो सब गिरे जा रहे हैं, कोई सुनाई नहीं। जब वोट का मामला आता है तो यहाँ आते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आज कहीं कुछ नहीं हुआ आज तक। कभी 10 साल इनकी रही है सरकार, 10 साल में इन्होंने आज तक का कुछ किया हो बताऊँ? सड़क उड़क बनी है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए आप आए हैं, आप उधर से आए हैं, देखें कुछ है, गाड़ी पलट जाती हैं, गाड़ी लोग दोपहिया से गिर जाते हैं, कोई सुनाई नहीं है साहब, कोई सुनाई नहीं। खाली कहा है मुद्दा इनका, राम लला को हम लाए हैं, मंगल सूत्र उतार करके मुसलमान की औरतों को दी जाए। इतने बड़े दानी है ये, बहुत बड़े दानी है ये, हैं कि मंगल सूत्र उतरा के हिंदुओं के मुसलमान को दे देगी। अब इनसे कहा जाए कि कोई 100 रुपया दे दो, दे ही मंगल सूत्र की बात छोड़ो, ये इनके मुद्दा हैं। आप सुने कहाँ हैं? सुनते हैं आप, देखते हैं नेताओं को? कुछ नहीं, कभी सुनाई नहीं की, कोई चीज़ की सुनाई नहीं। यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ा करके लिखाया करके उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा सर्विस करेगा, वो छीन लिए, वो छीन लिए, कहाँ बाकी बचा देश में कुछ बचा? सब तो बेच डाली, कहाँ बाकी बचा कुछ बचा? कह रहे हैं कि राशन दिया है। अरे राशन दिया डाल लें, 5 किलो राशन हम 10 जरूर खा लें 2 दिन में न दे। क्या तो राशन जो दिया क्या अपने बाप के जेब से दिया? दिया तो हम ही लोग का पैसा दिया है भाई, कमाई हमारे लोग की तो है जो दिया है उन्होंने, कि अपने बाप के जेब से कमा के दिया है, कहाँ से लेके आया 100 रुपया जो बांट रहे राशन? ये बताओ किसान पैदा किया गेहूँ है, ये समझ लो 24.60 रुपया की दर से पैदा किया है, और बोर्ड कहाँ लगाए हैं? बोर्ड लगाए हैं 22.75 रुपया का बोर्ड लगाए हैं, तो किसान का घाटा भी रहा है मुनाफा भी रहा है, वही वहाँ से लूट रहे हैं तो वही बांट रहे हैं पब्लिक को, तो दान कर रहे हैं ये बताओ, ये दान कर रहे हैं? मिलता है जी आपको? मिलता है? अरे कहो मिलता है कहो नहीं मिलता है आपकी बताओ। बजरा दे दिया, बजरा अब गेहूं के बदले गेहूँ काट करके बजरा दे दिया है, है? ये मोटा अनाज, अरे एकदम काहला के लड़का का दे दिया, कहो छुए ना वो जो चीज बटवाया आया दिन, मोटा अनाज खाया तंदुरुस्ती आवत है। अरे ये यही तो खा खा मोटा ही लागा आया है, हम ओका लागत है, चावल बताओ जो चावल आज दे रहे हैं उसमें प्लास्टिक के दाना है, सब प्लास्टिक के बताओ। एक कंपनी एक चीज मशीन से निकली जाए, एक मशीन से निकाली जाए और एक कुदरती पैदा हो, तो वह जानकारी है कि नहीं ना? जो मशीन से पैदा हुई टेढ़ मेढ़ पैदा हुई, और जो कुदरती पैदा हुई बस सही पैदा हुई, जितना चावल है सब टेढ़ मेढ़, तो ये कहा जा रहा है? अब तक जब चाइना न बंद हो जाता है ना, तब तक आदमी मर जाता है सब चाइना खा खा के। अच्छा बहुत नाराज हो क्या? नाराज का इनका सकल से नफरत है, की बातें से हमका नफरत है। क्या नाम है? हमारा नाम राजेंद्र कुमार सोनकर। कल उठा लिए जाएंगे क्या जी? अरे इधर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी समस्या ये है काशीराम की रोड सही हो जाए,
इस कदर के हम लोगों टायर बदला के परेशान है, ऑटो पलट रहे हैं, सवारी चोट खा रही है। सिर्फ एक समस्या है, काशीराम की रोड बन जाए, खाली ये बन जाए तो हमको लगे सब कुछ हो गया। खाली अन्न मिले चाहे ना मिले। बात बताओ चाचा, आप पहले रोड बना के दिखाए तो घर की आशा लगे हमको। हमको हर चीज चाहिए, घर भी सही चाहिए, सिर्फ एक चीज बन जाए, खाली काशीराम की रोड बन जाए, उसके बाद तो हमको एक आश्वासन दिया जाए कि आपके रिपेयरिंग होगी, घर बनेगा तो हमको आगे यकीन हो। खाली यकीन के लिए रोड बनवा दी। ठीक बात है, आप कह रहे हैं सरकार से नाराजगी है। अब यहाँ जो विधायक हैं वो भाजपा से हैं, अदिति सिंह, और वहाँ जो सांसद रही अभी तक रही सोनिया गांधी, तो ये लोग तक आप लोग की बात नहीं पहुँचाई? कभी नहीं साहब, जो विधायक हैं, विधायक यहाँ दिखाई नहीं की कि अपन शकल नहीं दिखाई, आज तक नहीं दिखा रही। विधायक जी विधायक कब यहाँ दिखाई देखे नहीं भाई, वो तो कहते जहाँ काल मरे जहाँ साले आल मर जहाँ सब, वो तो ये मना रही। सांसद सोनिया गांधी हैं तो उनका कुछ है ही नहीं, पावर नहीं, क्या पावर है उनके पास भाई, इनकी सरकार नहीं है तो क्या करें भी। बाकी कांग्रेस सरकार ने तो बहुत कुछ किया हमारे साथ। क्या किया? बहुत किया, इतनी फैक्ट्रियाँ बनवाई, इतने सब चूज जितने हैं सब उन्हीं की देन तो है। ये इन्होंने 10 साल में क्या किया? 10 साल में इनसे पूछा जाए कि रावेली नहीं कोई भी जिला ले लो, किसी जिले में किसी जिले में इन्होंने काम किया है कोई? कोई आप आ जाओ हाँ बताने दो यार, आप बताने दो उनको, बोलने दो। हाँ कोई चीज आज तक का किसी जिले में ले नहीं कुछ किया? ये जो अस्पताल बनी कौन का नाम इसका, एम्स, वहाँ जो बना जाओ ये उठा करके अपने वहाँ उठा ले गए, गोरखपुर उठा ले गए। बताएंगे मोदी जी बनवाए उसको बाद में, वो तो सिर्फ पप्पा बनवाए ना का, इनके पप्पा बनवाए नहीं, ये कांग्रेस सरकार की देन है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। जो रेल कोच बनवाया है इन्होंने बनवाया, ये बनवाया इन्होंने बनवाया, इनके बाप बनवाए नहीं, ये कांग्रेस की देन है भाई। अब ये बताइए, आप लोग इधर आ जाओ, कैमरे के पीछे मत खड़े हो, इधर मेरे अगर बगल आ जाओ। हम आपका क्या नाम चाचा? हमारा नाम असमतुल्ला। असमत क्या? असमत। बड़ा धीरे बोल रहे हैं। असमत क्या करते हैं? हमने चोरूरी बेचते हैं, चोरूरी बेचते हैं। कैसा चल रहा है काम? काम बढ़िया चल रहा है। काम ठीक है जी? और घर वर कहाँ मिला? माल वो है ये बदल वाला, जब बत्ती जहाँ पे बत्ती चली। क्या चीज? 58 लाख में इनका मकान। चाचा आप कहाँ चले गए? इधर आओ यार, आप पहले ये बताओ हमको, इतना गुस्सा है काहे हो? गुस्सा नहीं है, हम अपना नहीं देख रहे हैं, हम तो पैर में लटका है कब्र में, हम देख रहे हैं ये जो खड़े हैं, ये खड़े नान नान जो खड़े, इनकी भविष्य देख रहे हैं कि हमारी जो बीत गई, लेकिन इनका क्या हाल होगा? इनका क्या हाल होंगे? जैसे ही अत्याचार कर रहे हैं, अगर इनके साथ ही पढ़ी लिख ली नहीं, हम इनके साथ एक खेत पात बेच करके लगा दिया, सोचा कि बच्चा हमारा नौकरी पाएगा, नौकरी ला कर नहीं कहा ला के रखे, बताओ आज कम से कम 12 लाख 14 लाख लड़कन का जिंदगी बर्बाद। आप इधर आओ, आप तो युवा हो ना, आप क्या करते हो? आ जाओ। आप भी इसी कॉलोनी में रहते हो? जी मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा एक ही। चाचा कह रहे हैं आप सुन रहे थे? जी मैं सुन रहा था, ठीक है, लेकिन मैं एक ही मुद्दा चाहता हूँ कि इस देश में बस दो ही चीज़ होनी चाहिए, शिक्षा और रोजगार। मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए इस देश में, बस युवाओं को रोजगार मिले और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। जो इतनी महंगाई पढ़ाई हो गई है, किताबों में GST लग गई है, आम आदमी नहीं कर पा रहा इस समय, बहुत परेशान है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो इसको स्वस्थ करें और अच्छा करें। अच्छा आपके यहाँ पे जो चुनाव चल रहा है, सरकार जब सांसद बनता है अलग अलग सांसद मिलके प्रधानमंत्री चुनते हैं, अब आपके यहाँ चुनाव लड़ने आ गए राहुल गांधी, इससे पहले थी सोनिया गांधी, तो BJP के समर्थकों ने कहा कि अमेठी से डराए गए नहीं, रायबरेली भाग के आए हैं। मतलब वो तो अमेठी से केवल जो है राहुल गांधी ने अमेठी से केवल पर्चा नहीं भरा, और ये सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने तो पूरा स्टेट छोड़ दिया, कश्मीर से क्यों नहीं उन्होंने लगा, उन्होंने 370 जो है जो वहाँ पे पास करी थी, ठीक है, उसके बाद भी वहाँ पे तो तुमने अच्छा किया था ना, फिर वहाँ से क्यों आप गायब हो गए? पूरा स्टेट ही छोड़ दिया, वहाँ 1 भी सीट नहीं लड़ा रहे आप, क्यों नहीं लड़ा रहे वहाँ से? तो आप पूरा स्टेट छोड़ के भाग गए, वो तो एक जगह से केवल हमारे राहुल जी तो आए हैं। अच्छा आप राहुल गांधी समर्थक हैं? जी हाँ, मैं समर्थक नहीं, मैं संस्कृति प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस के। जी हाँ, और बताइए, जब वो पूरा स्टेट छोड़ के आ रहे हैं हमारे राहुल जी, ठीक है, वो अमेठी बताइए आपके। अच्छा ये अब आप कांग्रेस के हैं तो आपसे पूछ ही लेता हूँ, ये राहुल गांधी ने एक भाषण दिया, बोले 8,000 रुपया कितना देंगे यहाँ देंगे, और उसके बाद बोले एक झटके में गरीबी खत्म हो जाएगी,
तो भाजपा वालों ने पूछा कि 70 साल में गरीबी नहीं खत्म कर पाए, तब कहां से खत्म करेंगे? जी हाँ, ये बताइए उनके वक्त पर जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, तब ये बताइए इतना गरीब परेशान नहीं था, उसके पास खाने को था, ठीक है, उसके ऊपर नोटबंदी नहीं आई थी, उसके पास नोटें थीं, उसकी जेबें भरी रहती थीं, ठीक है। लेकिन आज का वक्त है, जब से ये बैठे हैं तब से इन्होंने नोटबंदी कर दी, तो नोटबंदी कर दी, हर गरीब तो ऐसे ही मर गया, कुछ फांसी लगा के मर गए, तो कुछ बैंक की लाइन में खड़े होके मर गए। बताइए इस तरह से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बताओ उम्र कितनी है भैया? लमसम 40 साल होगी? अरे 40 चाचा बहुत ज्यादा बता रहे, उतने ज्यादा लग रहे होगी, उससे भी कम है। आए? इनके 10 साल इनके सरकार की हुए, ओके 20 साल पहले की बात बता रहे हैं हम। गेहूँ का भाव रहा? कहे कि कमाई भी तो बढ़ गई लोगों की। अरे कमाई बढ़ गई, कहाँ कमाई बढ़ी? रोजगार है, जब रोजगार है नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से? लेबर 300 रुपया 350 रुपया पाती है, ठीक है, और हफ्ता में 3 दिन नौकरी पा तनख्वाह पाती हूँ, 3 दिन कमाई होती है और बाकी कमाई नहीं होती। अगर तीसरे दिन अगर उसने कमाया 7 दिन में, तो तीसरे दिन कमाया 900 रुपया पाया, तो कुछ कर्जा लेकर के बिगड़ी माचिस ली, कुछ खर्चा की, 300 रुपया कमा के गवा, तो 150 रुपया तो गली में खर्चा हो गए। बिगड़ी माचिस जरूरी है? अरे भाई, जो चीज़ इल्लत है तो जाई ना, बात सही, तो 150 रुपया दे दिया कर्जा दुकानदार का, घर कितना लेके गवा 200 रुपया, 200 रुपया में कैसे खाली 4 लोग 5 लोग का परिवार, ये बताइए। जब कोई रोजगार है नहीं है तो पब्लिक तो मरेगी, गरीबी तो होगी ही। आप लोग जब यहाँ राहुल गांधी लड़ने हैं, उस पर क्या सोच रहे हैं? है? राहुल गांधी से आपको उम्मीद है क्या? हाँ उम्मीद है, जो आज तक उनके बाप दादा जो वादा लिए हैं वो पूरा किए हैं, तो हम कैसे ना उम्मीद रखी कि पूरा करी हैं, कैसे ना उम्मीद रखी। लेकिन ये तो पक्का झूठा है, पक्का झूठा, जो कहता है वो करता नहीं है। ये मोदी आज तक का किस कोई काम, जितना कहे कि उतना आज तक का किस बताओ, उनका कहता कुछ और है, करता कुछ और है। उन्होंने ये वादा किया था कि 370 हटवा देंगे, हटा दी, उनके मैनिफेस्टो में वादा था राम मंदिर बना देंगे, बना दिया राम मंदिर। हाँ तो वो तो, और सड़कें बता रहे हैं कि सड़कें ज्यादा बनी है उनकी सरकार, वो तो कह रहा है कि हम राम का लाए ना, यो मान लो इनके बाप लाए राम का, उनके बाप लाए, एक राम औला के पैदा करके दिखाओ हमका, एक राम औला के पैदा करके दिखाओ हमका, तो बताओ कि राम का लाएंगे। अरे वो मंदिर एक आस्था का प्रतीक, आप नेताजी हैं, हम देखो पब्लिक से ज्यादा बात करेंगे, आपसे बतियाएंगे जीतेगी, केवल कांग्रेस और कोई नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे केवल कांग्रेस जाएगी और कोई जाएगी नहीं। बसपा तो कांग्रेस में, कांग्रेस के सिवा कोई टक्कर लेने वाला नहीं। बसपा बहन जी हाथी ये नहीं जा पाएगी यहाँ से, कांग्रेस की ज्यादा है, बसपा के तो जमाना जब्त हो जाएगी, क्योंकि उसका ज्यादा चर्चा है ही नहीं, मेन चीज ये है। आप लोग एक जमाने में बसपा के वोटर रहे क्या? हाँ रहे, मगर अब नहीं है, हमारी सरकार बना है बसपा, अब बसपा काम खत्म हो गया, तब बसपा की वो खासा कॉलोनी बनी हुई है, 2009 में कॉलोनी बनी है, तैयार हुई है, और उसके बाद आज देख लीजिए पूरी जर्जर हो गई है 2009 से अब तक में। भाजपा के भी सपोर्टर थे, क्योंकि आज ये जिस रोड पे आप खड़े हुए हैं, ठीक, ये रोड किसी और ने नहीं बनवाई, ठीक, ये कांग्रेस की देन है, लेकिन हमारे अखिलेश सिंह जी, हमारे विधायक जी, उन्होंने बनवाई थी ये रोड, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ बनवा देते। आज उनकी बिटिया रानी है, ठीक है, वो हमारे बीच आती थी, हमारे बीच रहती थी, आज वो बीजेपी से जो है विधायिका हैं, ठीक है, हमारी यहाँ पे विधायक जी की जो है बेटी हैं वो, ठीक है, वो हम लोगों के बीच में आती थी। लेकिन अब इस वक्त पर पता नहीं क्या नाराज़गी है उनकी कि हमारे लोगों के बीच में नहीं आती हैं, ठीक है, वरना उनसे भी हम लोगों को लाभ मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। आपके सांसद ने क्या काम किया रायबरेली में, बताइए? सांसद ने रायबरेली में क्या काम नहीं किया, आज 5 सालों से वो अगर था, ठीक, हमारी सांसद सोनिया गांधी, सब कहते हैं वो तो आती ही नहीं है, तो उनका काम कैसे? उनके कार्यकर्ता तो यहाँ मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ता तो, और हमारे इनका क्या नाम है, ये आपके जो है जो अमेठी से लड़ रहे हैं, ठीक है, किशोरीलाल शर्मा जी जो है, ठीक, वो यहाँ आते जाते रहते हैं, वो यहाँ का जो है देख रेख किया करते हैं, तो बताइए कैसे नहीं हमारा काम हो रहा है, जो भी हमारी दिक्कतें होती हैं हम लोग जाके वहाँ पे उसको देते हैं, हमारा समाधान होता है, उसको काम होता है क्या? जी बिल्कुल होता है, काम होता क्यों नहीं है, जब हम लोगों को कोई दिक्कत होती है तो जाते हैं, बताते हैं भैया, इसको बताते हैं भैया को बताते हैं, क्या किशोरीलाल को, क्या नाम,
आप लोग पुराने परिचित हैं क्या उनसे? यहाँ के लोग उनका नाम पहले जानते हैं? जात पात से मतलब नहीं है ना, हमसे रिश्तेदारी उनका जुगा हुआ है। जो हमारा काम करेगा वही हमारा रिश्तेदार है, जो हमारा काम करेगा वही मेरा रिश्तेदार है, समझे? हमारा सहयोग करेंगे। क्या आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। आप यू तो क्या करते हो आप? जी ऑटो चलाते हैं सर। क्या पढ़ाई की आपने? मैंने स्पोर्ट्स खेलता था, स्पोर्ट्स खेलता था महाराणा प्रताप कॉलेज। जी फिर ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि आपको ऑटो चलाना पड़ा? सर कुछ नहीं, घर की परेशानी है बस, जॉब नहीं लग पाई। तैयारी की थी किसी चीज़? जी हाँ, रेसिंग, मैराथन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कबड्डी। अच्छा। पंडा डिस्ट्रिक्ट खेल रखा, चमोली, देहरादून। तो अभी आप लोग क्या मुद्दे हैं? बस कुछ नहीं है सर, देखिए आप देख सकते हो इधर, ये देखिए हर जगह टूटा हुआ है, बच्चे गिरते हैं, कौन सुनता है हमारी? आप सांसद आपकी हैं, उनसे आप लोगों ने नहीं कहा, उनके प्रतिनिधियों से नहीं कहा? अरे भैया सत्ता में है नहीं, उनकी क्या सुनवाई हुई? हम जब पब्लिक हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो सांसद उनकी कैसे सुनवाई होगी? जब हम जनता उनके भी हैं, हम ये नहीं कहते हमारे दुश्मन है वो। उनकी ख्याल ही, उनकी बदतमीजी से, उनके बातन से, उनके बेईमानी और झूठन से उनका खपान। बाकी राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जो उनके बाप दादा किए, आज ही आजा किए हैं, वही वो करेंगे, वो उम्मीद है हमका, इसलिए उनको ला रहे हैं हम। उनसे उम्मीद है कि जो कहेंगे वो कर गुजारेंगे, ऐसी बात नहीं है। हैं पप्पू, हम अप्पू पप्पू कहा जाने की कब दिखाई? सब भाजपा वाले कहे कि तो पप्पू हैं, पप्पू हैं राहुल गांधी। अरे वो खुदे पप्पू हैं, वो खुदे लल्लू हैं, दूसरे के लल्लू बने करी हैं। अरे लल्लू खुदे हैं, कहा कुछ और हैं, कर कुछ और हैं। वो तो कहा राम लला के लाए हैं, राम लला के लाए हैं। मंदिर तो उनकी सरकार बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। हैं मंदिर का उनके बाप किया है का? अरे तुम्हारा हुआ है, हमारा हुआ है, सब किया है। हैं अगर मान से तुमसे कहा जाए हम कि तुम तीन लड़का पैदा की हो, हम तुमसे कहते एक और लाए हूँ, ले आई हूँ, पैदा कर ले हूँ। लेकिन इनसे कहा जाए कि राम कहीं कहा हम राम लला लाए हैं, एक और राम ले आए, एक राम का पैदा कर दे। तो मंदिर की बात कर रहे हैं ना? अरे मंदिर का कौन गया कर दी इनका, कौन गया नहीं कर दी, जहाँ पर मूर्ति रखी रही वहाँ 6 किलोमीटर आगे बना दी, कौन गया कर दू तू? मैं बनू तू जहाँ बनक रहा तो कौन बताया आपको दूसरी जगह बना? हम देखा नहीं इनका भाई, नहीं वहाँ गए तो कम से कम टीवी में तो देख रहे हैं, टीवी में तो देखा ही पड़ रहा कि कई किलोमीटर पर बन रहा मंदिर। अरे सब सही उसी जगह बना है, बाद बताया गया। आप चैनल वाले हो ना, यही लिए आप चैनल वाले हैं, इसलिए आप चैनल वाले हो। बाद में ये लोगों ने बताया कि वहीं बना हुआ तुम है। देखे हो है? तुम देखे हो है? हम तुमसे पूछी देखे हो है? हम तो अंदर वहाँ चमार पास ही जा ही नहीं पाए, वहाँ छोटी कार से जा ही नहीं पावा, खाली अमिताभ बच्चन आए हैं और भी कान में पूंजीपति उनका भी यही तना वाले गए, और 8-10 लोग आए। अमानी भाई, अमानी कहा न जाए आए उनके, अरे ले उनके तो खिलाए कुदाया ही है, उनसे लेन देन चला था बढ़िया, तो तुम जैदा करिए। हम पता चाचा आपको आए? हमका सब मालूम है, 60-65 साल की उम्र है, यही देखी थी, समझे हो? वो माफ होगा, वो माफ होगा, कोनो गरीब का पैसा माफ कहीं ना तक कंठे पूछे है, वो गरीब का पैसा माफ कहीं, नोटिस आ जाती 5,000 निकला लो। आपके मुताबिक कांग्रेस अच्छी है? बिल्कुल हमारे लिए कांग्रेस अच्छी है, तो कैसे हार गई कांग्रेस इतना? कहाँ हार गई? सब तो रायबरेली छोड़ सब जगह हार गई, हार गई। उनके बाप खुदे हार गए साले, कहाँ हारी हम कब घोटाला बताए, कहाँ से हार गए? अरे अमेठी में भी हार गए पिछली बार, पिछली बार अमेठी से हार नहीं गए, हराए गए हैं, हराए गए हैं, वे हराए गए हैं, एपीएम का खेला है उसमें। एपीएम ही जो है, आप लोग क्या सोचते हो सरकार किसकी है? सर बीजेपी की, बीजेपी की है, ठीक है। और जीता कौन था? बीजेपी, बीजेपी जीती थी। तो आप ये लगाइए जब सरकार उन्हीं की है तो जीतेगा कौन? अरे तो रायबरेली कांग्रेस जीती। हाँ जीती, मानते हैं ईवीएम का खेला यहाँ नहीं होगा, यहाँ खेला नहीं होगा भैया। अगर ये बात छोड़ना देती ना तो पकड़ जाती, तब किन पकड़ जाती। लेकिन अमेठी हरा दी और रायबरेली जीता दी, ये लिए कोई गेस्ट नहीं लगा पावा। कोर्ट वोट में भी सब बहस बिके है, सब सब तो बिके हैं, कोर्ट सब पैसा का खेला है, तक उनकी है चैनल, कोर्ट से लेकर मीडिया तक। टीवी में चैनल नहीं देखी, कौन चैनल में? केवल आप ही चैनल में देखता हूँ, बाकी किसी के चैनल नहीं देखता हूँ, कैमा मोबाइल में देखते हैं आपके चैनल में, बाकी सब बिके हैं। कहते साले कुछ और जो कहा वही वो बताओ थे।
तो चैनल वाले क्या करेंगे, घानी के घानी लिए हैं। चैनल वाले जब कोई बात होती है अच्छी बात कहता है तो तुरंत जो है मैं हटा देते उसके सामने से, हटा दे तुरंत हटा देंगे उनके चैनल होती ना, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे करेंगे, मैं ऐसे कर देते हैं, समझो ये तरह कर रहे थे कि अगर हम उनके राहुल के पक्ष में बोल रहे हैं ना इनके लगे घुसे इनका ये कर रहे समझो, तो ये इनकी बात पर हमका विश्वास नहीं है, ना इनकी बात पर विश्वास है ना इनके कारनामे में हमका विश्वास है। आपका क्या नाम भैया, इधर आओ, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अलीज खान। क्या करते हो आप? पेंटिंग। आप भी इसी कॉलोनी में रहते हो? नहीं, कानपुर में। कानपुर में, यहाँ मेरा घर है, कानपुर में भी है। वोट कहाँ है? मैं कानपुर में, यहाँ भी आता है, कानपुर में भी आता है। अरे एक तरह वोट हो यार, अरे यहाँ आ गए तो यहाँ आता है, वहाँ चले गए तो वहाँ आता है। वोटर आईडी एक ही जगह होगा ना जहाँ वोट दे, किधर कट गया वहाँ चालू। कानपुर में, कानपुर में क्या माहौल है? माहौल माहौल कांग्रेस का है, वहाँ क्या है कांग्रेस सिर्फ जो है मुसलमानों में या फिर और जगह? नहीं, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सब चीज उसमें, सब में, सब धीम धर्म सब है। आप लोग इसी इसी कॉलोनी के हो जी? आपकी कॉलोनी में बड़ा वो जर्जर स्थिति है, ये कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की सरकार डीएम से? 50 बार हो चुकी है, कंप्लेन जा चुकी है मगर कोई सुनवाई नहीं होती। देखो ये छज्जर टूट टूट के बच्चा है, दो लोग चोटों खा चुके हैं, एक लड़का तो मर हो गया, सुनवाई कुछ नहीं होती। लड़की की जान के लिए सुनवाई? आपका घर कहाँ पे भैया? पीछे 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 जी। ये किसका है दिखा सकते हैं, कैसा घर है ये? दिखाइए जरा, लाओ भैया कैमरा लाओ। ये कितने कितने एक ब्लॉक में कितने घर होते हैं भैया, कितने एक ब्लॉक में कितने लोगों का? 16 मकान बने, एक लाइन में 16 है। ये तो पूरा इसका जीना उना टूटा हुआ है, टूटा हुआ, ऊपर भी जीना लटका हुआ है, वो भी जीना देख लो गिरने वाला, सब में सरिया देख रही है। अब जैसे ये सीढ़ी है तो यहाँ आपने पटिया लगा दी है, क्या करें, मजबूरी है, है? मजबूरी है, इसमें कोई गिर भी सकता है, गिरा तो महिला चोटा भी गई, अस्पताल में भर्ती थी, उसके पैर में भी काफी जो है सरियां घुस गई थी उसको, हम 4-5 लोगों ने मिल के जो है उसको निकाला और निकालने के बाद अस्पताल लेके गए उसको हम लोग। और इस तरह की इसकी स्थिति है, बताइए, लोग हथेली पे जान लेके रह रहे हैं यहाँ पे। अब बताइए ऐसी सरकार होने के बाद ये नगर पालिका में नहीं ली जा रही है, दो दो बार सरकार किसके अधीन आता है, इसका काम धाम कौन देखता है? आप लोग को शिकायत करना हो तो किससे करते हैं? तो किससे, नगर पालिका के अंडर में है ही नहीं है, चेयरमैन देख नहीं सकता। डीएम का, डीएम और ये सब एसडीएम तो होंगे, डीएम एसडीएम कहते हैं खाली कर दो चले जाओ यहाँ से। हाँ भैया ये सब होता है, ऐसा कह रहे हैं कि इसका खाली करो भागो। अब जब हमारे पास घर जो बड़ी है नहीं ना तो कहाँ रही जा भैया ना, आप लोग का और कहीं घर है क्या? नहीं ना, 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 कुछ नहीं, नहीं। अगर होते तो यहाँ कहाँ मरीज आएंगे, जमीन उमीन है कहूँ? कुछ नहीं भैया, कोई जमीन नहीं है हमारे पास, कोई जमीन नहीं, कोई घर नहीं। इसमें एक एक घर में कितना होता है दिखा सकते हैं? कितने नीचे? 4 कमरे नीचे के पार्टीशन में है, 4 कमरे ऊपर के पार्टीशन में है, 4 कमरे तीसरी मंजिल पे है और 4 जो है चौथी मंजिल पे, 16 कमरे हैं। और ये देखिए एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, 2 कमरे ये सामने जो है, ठीक है, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, आइए आपको, आ जाओ आप, आ जाओ देखिए। तो हाँ तो वहीं पर रुको सब लोग पीछे, एक कमरा ये है, एक ये है और एक ये, एक ये 4 कमरे हैं, यही पार्टीशन, यही हिस्सा ऊपर का भी है, ऊपर भी जो है 4 कमरे इसके बने हुए, उसके ऊपर 4 कमरे बने हुए हैं, 16 एक ब्लॉक में 16 कमरे हैं। सब जगह बीमें दिख रही हैं, बीम गिरने वाली हैं। अगर ये बिल्डिंग बैठ जाएगी तो हमें सारे लोग सोते हुए रह जाए, कोई निकलेगा नहीं जिंदा। कितने लोग रहते हैं? 1030 मकान है, 1030 परिवार, 1050 रूम है, ठीक है, जिसमें से कम यहाँ पे 7000 आदमी है, 1050 मकान में 7000 घर में कितना कमरा होता है? दो कमरे होते हैं, 2 कमरे हैं। आपकी तो सांसद हैं, आप उनसे कहिए, जब नगर पालिका ही नहीं ले रही है, नगर पालिका लेके सांसद आके वहां से थोड़ी लेंगे इसको भाई। चिट्ठी लिखे वो नगर पालिका, चिट्ठी लिखी गई है, ठीक है, लेकिन इसके पहले जब चिट्ठी लिखी गई थी तो दूसरी सरकार के जो है चेयरमैन साहब थे हमारे, ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में जो है दूसरे चेयरमैन है, ठीक है, फिर भी अभी जो है जब चिट्ठी दी जाती है तो चेयरमैन बदल जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को डर नहीं लगता इसमें रहते हैं? या क्या करें, मजबूरी है, मरता नहीं, क्या करता, क्या करें, बच्चे ऊपर नहीं जाएंगे, खाना पानी कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे, बताइए आप, जाना मजबूरी है भैया। मच्छर इतना काट लिया तो इलाज नहीं, खाली एक बार अपने कैमरा से खाली इसकी गंदगी दिखा दीजिए,
प्रधानमंत्री जी को, उनको मुख्यमंत्री जी को खाली के यहाँ किस तरीके नाली के कीड़े हैं, यहाँ के आदमी या आदमी का समझ नहीं है कि यहाँ नाली कीड़े मकोड़े पड़े हैं, किसी हालात में रहो उससे कोई मतलब नहीं है। आदमी मजबूरी भरे रहा, घर द्वार नहीं है, होता तो आदमी यहाँ गंदगी में न रहता, इस नाली में न रहता, इससे रह रहे न रहता, यहाँ दस से रह रहे हैं, दस से अगर घर मकान होता तो इस बिल्डिंग में न रहते, अपने बच्चों को न मारते हैं। तो इसका छत देख के लग रहा है कि इसी जैसे जीने पे खड़े हैं, तो कब गिर जाए उसका कोई भरोसा नहीं, इधर तो गिर नहीं, जान पर खेल रहे हैं हम लोग जान पर खेल रहे हैं, बच्चे लेकर के रह रहे हैं, क्या करें। 6 साल की बिटिया गिरी थी, अभी आपने ये देखा, ये वाला ब्लॉक का ये टूटा हुआ छज्जा है, जस्ट सामने वो देखिए आप, जो है दूसरी मंजिल का आपको यहाँ से दिख रहा है, गिरी थी 6 साल की बच्ची गिरी थी वो सामने वाले गेट से। जितना बन गया है उतना ही बना हुआ है, बल्कि आज तक किसी भी सरकार में कोई मरम्मत या किसी प्रकार की कोई देखभाल नहीं हुआ, कोई नेता नगरी कुछ नहीं। आप लोग सब लोग मिलके धरना देते, सारे नल बिगड़े पड़े हुए भाई साहब, आप लोग धरना नहीं देते कि भाई हम कितनी बार धरना प्रदर्शन हुआ कहीं कुछ नहीं जाए ना, तो सरकार उनकी है, लेके डंडा का भाग यहाँ से तब क्या कर भाई, और डर है यही चीज के, नंगा दुनिया डरा थे, है नंगा दुनिया डरा थे भैया। और दिनेश जी तो मंत्री भी हैं, तो उनसे आप लोग कभी मिले? मिल सब राजू की चट्टा बट्टा, हम कहा दिनेश जी से मिले थे, दिनेश जी यहाँ पे आए हुए थे, और पीछे हमारे जो है पार्क उन्होंने पास किया है, ठीक है, दिनेश जी आए हुए थे, दिनेश जी से हमने कहा सर जी आप जो है एक मिनट मंत्री जी आप इधर आइए, और इधर की रोड मैंने दिखाया, उन्होंने उनके साथ पूरा प्रशासन पूरा विभाग थे, तो दिनेश जी ने कहा उसी वक्त पर कहा अपने विभाग से कि जो भी विभाग है वो यहाँ की रोड जो है तत्काल में इसको जो है बनवाई जाए, ठीक, लेकिन उनके विभागों ने किसी ने सुनवाई किया ही नहीं, दिनेश जी ने इतना तो कहा था यहाँ पे, कहें तो है लेकिन अगर करके दिखाओ तब तो हम जानी कि हाँ भाई किए, लेकिन अब कहे से थोड़े चल जाते कि कहने से सब कुछ होता है। आपका क्या नाम भैया? अनवर। क्या करते हैं आप? यही ऑटो चलाते हैं बस। आप भी यही रहते हैं? हाँ अभी। इसमें सिर्फ SC समुदाय के लोगों को मिला है, बाकी लोगों को भी? टोटल A to Z सारी कास्टें हैं यहाँ पे, सिंधी पंजाबी भी हैं यहाँ पे, सब कई जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जाते नहीं, सब जाते हैं, ज्यादातर मोहर्रम है और छोटी का पानी वानी का क्या सिस्टम? पानी का सिस्टम देख लीजिए, चल के ऊपर से देते हैं, सब टंकी टूटी फूटी पड़ी है, पानी आता तो दोनों टाइम पे है, दोनों टाइम पानी आता है, लेकिन इसकी जो टंकी है उसकी ये स्थिति है, इसकी जो टंकी है कभी रिप्लाई कभी सही नहीं हुई, साफ नहीं करवाई गई, इतने इतने कीड़े आते हैं और पानी में इतना बदबू आता है कि एक नाली का आता है, मगर इस साइड से जो बैक साइड में लोग रहते हैं उनके घर में चार चार मंजिल पे पानी चढ़ता ही नहीं है, पानी है ही नहीं ना, हम लोगों को आज 3 साल से पानी नहीं मिल रहा पीछे से है, पूरा पाइप फूटा पड़ा है, कोई नहीं आता, सब कहते हैं गंदगी कैसे रिपेयर हो, रिपेयरिंग करने वाले नहीं आते यहाँ पे, ना टंकियां है ऊपर ना कुछ है, चाहे गंदा पानी है चाहे जो ऊपर आते हैं आपको पानी सुंगा दे तो आप कहेंगे ये कैसे आप लोग यूज कर रहे हैं, एकदम मैला पानी आता है। वो नहाने का पानी है पीने का? चाहे आप जाए में यूज करिए। पीने का पानी कैसे? वही पानी है, अब आप नीचे उतरिए 4 मंजिल से हैंड पाइप से भरिए तब ऊपर लेके जाइए तब यूज करिए। ऐसा? अब जिसको आपके ऑपरेशन है या कोई बीमार है वो 4 मंजिल उतर के कैसे पानी अफोर्ड कर पाएगा, ऊपर ले जा पाएगा? क्या नाम दीदी आपका? हमारा शबाना नाम है। तो यही रहती हैं आप? जी हाँ, हम आगे वाली में रहती हूँ, स्कूल होते हुए बच्चों को कोई शिक्षा का जुगाड़ नहीं, बच्चों को बाहर भेजना पड़ता पढ़ने के लिए, 90% बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्कूल है मगर कोई स्थिति नहीं, पढ़ाने के लिए कोई जुगाड़ ही नहीं, कहाँ कोई जाएगा। ये पानी से बीमारी है? इस पानी पीने से बीमारी पैदा होती है, जब से टंकी बनी आज तक सफाई नहीं, कोई दवाई नहीं पड़ी, उसमें कीड़े देते हैं कि कुछ का बात नहीं है, 3 लोग खत्म हो गए हैं सर, और नाली वाली है तो एकदम जाम पड़ी हुई है। जी हाँ देख सकते हैं आप खुद, आप तो यूथ हो, आप अभी जब वोट डालने जाओगे तो ये सब मुद्दे ध्यान में रख के वोट देते हो, क्या करके वोट देते? सर मुद्दे देख कर ही। क्या लग रहा है आपके रायबरेली में किसका ज्यादा जोर है? सर हाथ का, कांग्रेस हाथ का। कांग्रेस क्यों? जी सर क्यों? आप देख सकते हो सर, देख सकते हो कमल आके ही क्या कर दिया ये बताइए सर, भाजपा आकर क्या कर दिया बताइए सर, क्या कर दिया सर बताइए। अब जैसे हर सरकार अपना उपलब्धि गिनाती है, इस सरकार भी गिनाती है कि भाई राशन दिया लोगों को बाजरा दे रहे, बाजरा कौन खाता है आज के डेट में सर बताइए? कबूतर खाने वाली चीज, कबूतर बताइए कौन खाता है बाजरा आज के डेट में, आप बताइए, आप खाओगे बाजरा? पूछा जाए बाजरा माकरा क्या है बताइए,
ये बजरा खाने वाली चीजें हैं, बताओ याद करके लड़का खाइए बजरा। क्या सोचते हो चाचा? भैया हम तो ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ की सुविधाएं नहीं है, और इनके राज जब से इनकी हुकूमत हुई है कोई चीज़ की सुविधा नहीं, ना कोई किसी चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये इनकी हुकूमत ही खत्म हो जाए, राजीव गांधी की हुकूमत आ जाए, उसमें हम लोग खुश हैं। हम इतने खुश हैं, ये इतने खुश हैं कि अगर वो आ जाएंगे तो कम से कम गरीबों की देखभाल तो होगी कायदे से। इतने यही समझ लीजिए कि 4-5 किलो गेहूँ राशन देने में कोई कुछ बनता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। 4 किलो गेहूँ दे दिया, चावल दे दिया, क्या गेहूँ चावल खाएंगे? जब आदमी कमाएगा नहीं 2 रुपये तो कहाँ से खा पाएगा? ये आलू इतना भाव रहा 10 रुपया किलो, 15 रुपया किलो, 5 रुपया किलो आलू रहा। आज आलू 35 रुपया 40 रुपया किलो आलू बिका रहा है। बताइए अगर हम 200 रुपया कमा के आ रहे हैं तो हम अगर 2 किलो सब्जी ले आए तो 150 रुपया तो गए ऐसे, और बचा कितना? 50 रुपया। 50 रुपया हम अपने बच्चों को खवा ले बहन। ये सब महंगाई है सरकार में। ये स्कूल है बच्चों का, कहाँ पे है? बच्चे मर जाए। ये सरकारी स्कूल? हाँ सरकारी स्कूल है। टीचर आते हैं पढ़ाने? जी नहीं, उनके वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है, खाली चल रहा है। कहाँ है देखो, गैया भैंसी बांधा वाला स्कूल बना है। ये पीछे का पार्टीशन है, इधर की थोड़ा कैमरा अपना घुमा दीजिए। यहाँ पे ये हालत है कि मुर्गी नहीं जा सकती, इंसान क्या जाएंगे? मतलब मुर्गी नहीं जा सकती यहाँ पे, है ना? यही स्थिति, ये तीनों पार्टीशन जो है, ये तीनों पार्टीशन के बीचों बीच में यही स्थिति है यहाँ पे। बताइए इस हाल से हम लोग किस तरह से जी रहे हैं, किस गंदगी में? अगर डेंगू फैल जाए तो बदबू भी बचवा नहीं सकते, बच्चों को नहीं बचा सकते हम। आज तक मच्छर की दवाई भी यहाँ नहीं कभी पड़ी। ये स्कूल है, अंदर से दिखवाए जरा अपने कैमरा से। ये सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय जिसको कहते हैं, 5वीं तक ये स्कूल है सर। देखिए सब ये स्कूल है। अरे इसमें दरवाजा वरवाजा भी नहीं है? देखिए ये कब बना था स्कूल भाई? उसी टाइम पे? जी हाँ सर, साथ साथ बना था। कुछ भी नहीं है, बाप रे, तो दरवाजा दीवार ही नहीं है इसमें। सब इनके दफ्तर में ये काम हुआ। ये बच्चे इसी में पढ़ते हैं? ये जब यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं भैया तो कैसे पढ़ाएंगे? जो स्थिति नहीं पढ़ाने की तो मास्टरों की ड्यूटी तो होगी? कुछ नहीं है, कोई मास्टर ना कोई चपरासी, कोई नहीं दिखाई पड़ता यहाँ। अरे यहूं तो प्लानिंग बनाया है स्कूल का, मतलब स्कूलों बेचे की तो प्लानिंग बनाए हैं, सब तो बैठ डाली। अब स्कूलों वाली प्लानिंग बनाया कि स्कूलों बैठ डालो, साले ले ले अंबानी छुट्टी मिले। एक फीस नहीं होती थी, इनके आने से उस सरकारी स्कूल में 50 रुपये 100 रुपये फीस हो गई है। हाँ फीस लग रही है? क्या बात कर रहे हो, सरकारी स्कूल में 50 रुपये फीस हो गई है सर? किताब मिल रहे हैं? नहीं फीस नहीं लगती है सर, सरकारी में मैं भी पढ़ रहा हूँ फ्री में, किताब भी मिलता रहा। ठीक है अभी भी मिलती है वो तो? नहीं कुछ नहीं। क्या मिलती नहीं है स्कूल में? 50 रुपये फीस जाती है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? कितनी फीस जाती है स्कूल की? 1200। बताइए सरकारी स्कूल है, कौन सा स्कूल है? सरकारी प्राइमरी स्कूल हरदासपुर। बताइए सर वहाँ फीस कहाँ लगती है? फीस लगती है लेकिन उसमें पैसा से आता है, पैसा बेटे तो आता है फीस से। पढ़ाई तो फ्री है ना? हाँ पढ़ाई फ्री है। ड्रेस का पैसा आता होगा? ड्रेस से पैसा आता है, और कॉपी को, बैग के, जूता, मोजा के। तो आप ये यहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं क्या? नहीं यहाँ पे कोई पढ़ाने वाला है नहीं। बंद हो गया होगा स्कूल, इसकी जगह कोई और खुल गया होगा? इसकी जगह कोई स्कूल नहीं खुले ही नहीं जब से ये यहाँ पे स्कूल खुले नहीं। ये अच्छा स्कूल सिर्फ ढांचा बना और उसके बाद खुला ही नहीं। और देखिए कभी जाने वाला है, ये देखिए इसकी घड़ियां किस तरह से लटक रही। नहीं वो तो देख लिए, ये इसमें कभी ये चालू था स्कूल यहाँ पढ़ा? नहीं चालू था, ये चालू ही नहीं हुआ, कभी नहीं चालू हुआ। तो ये हम जो है रायबरेली के एक जो ये आवास योजना, कांशीराम आवास योजना, उसमें आए, यहाँ पे रहने वाले लोगों से बातचीत की, इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि क्या मिजाज है वोटर का, जो रायबरेली का इस इलाके में रहने वाला जो वोटर है वो क्या सोचता है। तो वोटरों ने अपनी सोच भी बताई, इसके अलावा जो है अपना आवाज घर दिखाया कि किस जर्जर हालत में है। रात में आपको कम दिख रहा होगा कैमरे पे हो सकता है, लेकिन दिन में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जर्जर है। इसमें ये बात बिल्कुल सत्य है कि कब कौन सा गिर जाएगा ये इसका भरोसा नहीं है। और ये लगा इधर जितनी भी कॉलोनी में जितने भी बिल्डिंगें हैं सब ऐसे उसी तरीके से उसी स्थिति में बने हुए हैं,
वैसे ही रह रहे हैं लोग। नाली खराब है, गंदा है, सड़कें जो है, एक ये सड़क ठीक है लेकिन बाकी जगहों पे 12 फीट बाकी जगहों पे जो है नालियां बजबजा रही हैं। स्कूल के नाम पे जो ढांचा बना था, हाँ अभी आप जिस रोड से आए हो आगे देख सकते हो कैसी रोड है। हम लोग अपना गुजारा 3 रिक्शा चला कर रहे हैं, आज पलटता है कल पलटता है रोजी, ठीक है सर वो रोड है। हम लोग को सपने दिखाए जाते हैं कि रोड बनेगी बनेगी, वोटिंग दीजिए वोटिंग दीजिए, जीत जाता है तो फिर रोड को कोई देखना नहीं आता है, ठीक है। हम लोग एक सपना लेकर वोटिंग देखते हैं, आज तक रोड नहीं बनी सर, कितने हादसे हो गए। ये तो रोड विधायक और जो यहाँ के नगर निगम उसकी रोड होगी ये, हाँ रोड तो है? जी जी हाँ उन्हीं की रोड। तो आप लोग कभी गए उनके पास? जी हाँ गए, सपने किए जाते हैं कभी पूरे नहीं किए जाते हो। तो ये जो है लोगों ने समस्याएं सुनाई, यहाँ पे हमने सांसद के काम पे सवाल पूछा चूंकि सोनिया गांधी थी, यहाँ पे हमने जो सरकार है उसके बारे में पूछा, विधायक जो है उनके बारे में पूछा, बाकी आपको मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। इन लोगों ने सबने अपनी स्थिति दिखाई दी है, स्कूल के नाम पे एक दीवारें खड़ी हुई थी जो खोखली हो चुकी हैं। इनमें जितना भी शिक्षा का आप कहेंगे कि शिक्षा का पानी बहना चाहिए था वो मवाद बन के बह गया है, बाकी हालत आप देख रहे हैं। वोटिंग के लिए भी लोगों ने बताई दिया। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं, देखते रहे दी ललन टॉप, शुक्रिया।